गाय माता चलता फिरता ओसधाले है। साध्वी निष्ठा गोपाल सरस्वती लसड़ौखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कालीबीत में गो कथा के आज सातवें एवं अंतिम दिन साध्वी निष्ठा गोपाल सरस्वती जी ने कहा कि गाय माता चलता फिरता ओसधाले है। देसी गाय के गोमूत्र 175 तरह की बीमारियों को ठीक करता है। मानव 3 नियम का पालन करे तो वो कभी बीमार नहीं होते हैं। सुबह उठकर भूखे पेट आधा कप गोमूत्र पीना, भोजन के आधे घंटे बाद एक गिलास देसी गाय की छाछ को पीना, रात्रि में सोते समय एक गिलास देसी गाय का दूध पीने से इंसान कभी बीमार नहीं होगा। जो इंसान गौ माता की सेवा करता है वह भव सागर से पार उतर जाता है। गाय माता को घर में बनी पहली रोटी नहीं खिलानी चाहिए। गौ माता को तीसरी या चौथे नंबर की बनी रोटी घी और गुड़ के साथ खिलाना चाहिए। गौ माता की सेवा से लोक परलोक भी सुधर जाता है। इंसान को चांदी के वर्क लगी मिठाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक परिवार को अपने घर में एक गाय रखे और उसकी सेवा करे। कथा के अंत में कलयुग में गौ माता की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण से भक्तों ने गौ माता की रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण से गौ माता को बचाने के लिए दोबारा अवतार लेकर गौ माता की रक्षा करने की प्रार्थना की। गौ माता की आरती के साथ 7 दिवसीय गौ कथा का समापन हुआ। कई भक्तों ने साध्वी निष्ठा गोपाल सरस्वती जी से गुरु दीक्षा ली। साथ ही कालीबीत लेम्स अध्यक्ष लालूराम मीणा ने कालीबीत गांव में गौशाला हेतु 4.5 बीघा जमीन भेंट की, जिनका साध्वी निष्ठा गोपाल सरस्वती जी एवं सरपंच नाथूलाल मीणा ने स्वागत किया। इस दौरान कथा में भाजपा प्रदेश मंत्री कन्यालाल मीणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह झाला, उप प्रधान धनराज पटेल, लसड़िया सरपंच रूपलाल मीणा, कालीबीत सरपंच भगुड़ी देवी मीणा व सहित आसपास गांव के हजारों भक्तजन मौजूद रहे। अंत में महाप्रसादी का आयोजन किया गया। हनुमान जी महाराज जी की मूर्ति